हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कृष्णा सिंह देव क्लासेस के ऊपर। तो हम लोग आज क्या कर रहे हैं, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं द सीरीज व्हिच वी हैड स्टार्टेड इन द लास्ट सेशन। इट इज फॉर क्लास 10 एंड दिस सीरीज इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन ग्रेड 11 एंड इफ दे हैड नॉट चोजन कमर्शियल एप्लीकेशन या कमर्शियल स्टडीज का सब्जेक्ट इन देयर 9th एंड 10th ग्रेड, जिनके लिए सबसे नया सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी और जिनको अकाउंटेंसी में फाइनल अकाउंट्स में कहीं भी दिक्कत हो रही है, तो आप भी इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड को बिलोंग करते हो, सारे ही बोर्ड्स में स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई या आईएससी सब जगह पर ये फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर आपके पोर्शन में है। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड एंड क्लास 11th फ्रॉम एनी बोर्ड, दिस इज इक्वली रेलेवेंट। चलिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रीकैप करेंगे। यस, हमेशा रिवीजन आपको करना चाहिए। आप जब खुद भी सेल्फ स्टडी करेंगे तो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक बार जो भी आपने प्रीवियस सेशन में बैठ करके जो भी आपकी सिटिंग थी उसमें जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेना चाहिए, तो सारे कॉन्सेप्ट एक बार फिर से फ्रेश हो जाते हैं। चलो तो लेट अस स्टार्ट, गेट स्टार्टेड। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, बहुत बेसिक थी, छोटी सी क्लास रखी थी हमने लास्ट क्लास में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं और सोल प्रोपराइटर। क्यों हम सिर्फ सोल प्रोपराइटर के फाइनल अकाउंट्स की बात करें, क्या पार्टनरशिप के और कंपनीज के फाइनल अकाउंट्स नहीं बनते? बनते सबके हैं बेटा जी, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ सोल प्रोपराइटर के फाइनल अकाउंट्स को देख रहे हैं, ठीक है, आपके सिलेबस का पार्ट जो है। चलिए तो फाइनल अकाउंट्स कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स। क्या थ्री थिंग्स होती है फाइनल अकाउंट्स के अंदर? एक होता है सबसे पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दिस इज नंबर वन। उसके बाद आपके पास होता है नंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा होता है चीज दैट इज स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट विच इज बैलेंस शीट। ये तीनों को मिलाकर के कंबाइंड ही हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड इसके पहले हमने बेसिक्स पढ़ा था जो कि जो है रूट्स है आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने के लिए जो रूट्स है वो हमने पढ़ा था। What is those roots? That is double entry system की जो rules हैं, different accounts। अगर आपको उनके debit and credit का rules पता है, होने चाहिए, आपने class 9th में पढ़े थे या आप class 11th में, तो आपके teachers ने initial chapters में आपको यही पढ़ाया है। अगर नहीं मालूम है तो worry not, क्योंकि हम लोग यहाँ पर उसको revise कर चुके हैं। आप जाकर के इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने रूल्स एंड कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको अकाउंट्स इन थ्री डिफरेंट कैटेगरीज। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू फॉलो कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू हमारे पास तीन तरीके के अकाउंट होते हैं। कौन कौन से अकाउंट? सबसे पहला होता है बेटा जी रियल अकाउंट, फिर उसके बाद होता है नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर क्या कौन कौन सी चीजें आती है, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो एसेट्स वगैरह है नॉर्मली, उनको हम रियल अकाउंट के अंदर डालते हैं। जैसे कि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं भी होती कभी कभी, जैसे कि हमारे पास फर्नीचर है, जैसे कि हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, जैसे कि हमारे पास कैश बैलेंस बैंक बैलेंस एक्सेट्रा है, ये सबको हम लोग कहाँ डालते हैं? रियल अकाउंट के अंदर डालते हैं। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर कोई भी चीज आ रही है, कैश आ रहा है तो हम उसे डेबिट कर देंगे, और कैश का पेमेंट हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, ये रूल आपको फॉलो करना है। उसके बाद हमारे पास आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट एक्चुअली में इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ये किसके नाम है, ये नाम है एक्सपेंसेस के और इनकम्स के। तो इनका रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। और उसके बाद बचता है लास्ट विच इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के फर्दर थ्री टाइप्स होते हैं, दैट इज पर्सनल रियल पर्सनल अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सब जगह एक ही रूल लगता है, कौन सा रूल लगता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये वाला रूल लगता है। लेकिन अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते हैं, और अगर आपने ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाई कर रखी है, वैसे पढ़ाई आपने दोनों से कर रखी होगी, लेकिन एक कोई मेथड आपको ज्यादा अच्छा लगता होगा या ज्यादा अच्छे से याद होगा, तो यू कैन फॉलो दैट। तो उसमें हमारे पास फाइव टाइप ऑफ रूल होते हैं एज पर मॉडर्न अप्रोच। फाइव टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, क्या है, एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। बार फिर से बेटा, कौन कौन से अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट एंड एसेट अकाउंट। तो ये फाइव टाइप ऑफ अकाउंट्स है, जिसमें एसेट्स का मतलब कोई भी टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, ये सारी चीजें आपकी एसेट्स है। लाइबिलिटीज जो भी हम ओ करते हैं, हमारा बिजनेस ओ करता है किसी और को, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसी भी तरह के, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सब हमारी लाइबिलिटीज है। एक्सपेंसेस के अंदर सारे तरीके के एक्सपेंसेस आते हैं, वेजेस, सैलरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ऑडिट फीस, लीगल एक्सपेंसेस, जितने भी तरीके के आप एक्सपेंसेस हो सकते हैं वो सब एक्सपेंस अकाउंट होते हैं। रेवेन्यू जो हमारी इनकम्स होती है, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, इनकम रिसीव, वो सब हमारी रेवेन्यू होती है, सेल्स एक्सेट्रा। एंड कैपिटल जो ओनर होता है उसका अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट होते हैं। इनके डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स क्या है, इनके डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स है जो भी आपने
इंक्रीज हो रही है एसेट में, ठीक है, तो एनी इंक्रीज विल बी डेबिटेड इन द एसेट, एनी इंक्रीज विल बी डेबिटेड इन एक्सपेंसेस ऑल्सो, ठीक है। बाकी तीनों यहाँ पर डेबिट द डिक्रीज, यहाँ पर डेबिट द डिक्रीज, यहाँ पर डेबिट द डिक्रीजेस, मतलब कि ये तीनों जो है एक जैसे चलते हैं और ये दोनों जो है ये एक जैसे चलते हैं, ठीक है। इनके रूल्स आपको देखने होंगे, ठीक है। ये शीट्स कहाँ पर अवेलेबल होंगे मैम? ये जो मेरे नोट्स है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल कृष्णास क्लासेस पर मिल जाएंगे, तो आप अपना टेलीग्राम मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बहुत सारी आपको अपडेट वहां पर मिलती रहेगी। लिंक कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए तो आपको ये सारे नोट्स वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इसके बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखे थे लास्ट सेशन में। व्हाट आर दोस इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज? इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के अंदर हमारे पास था कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है मैम नेट सेल्स में से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, मतलब मोटा मोटा मेरे पास कितना प्रॉफिट बचा। नेट सेल्स का मतलब क्या होता है मैम? सेल्स में से जब हम लोग सेल्स रिटर्न को माइनस कर देते हैं तो वो होता है बेटा जी नेट सेल्स, एंड COGS मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। अब यहाँ पे भी नेट परचेस आ गया, तो जो रूल हमने सेल्स में लगाया था वही रूल यहाँ लगा देंगे। व्हाट दैट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न वॉज योर नेट सेल्स, सो व्हाट इज नेट परचेजेस? परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न इज नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो दिस इज व्हाट यू हैव स्पेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। सो व्हाट हैव वी डन? ओपनिंग स्टॉक व्हिच हैज बीन कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर उसको हमने ले लिया, उसके अंदर हमने जो ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस करी उन सारी परचेजेस को ऐड कर दिया, और इसमें से जितना सामान अभी सोल्ड नहीं हुआ है मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक व्हिच इज नॉट येट बीइंग सोल्ड उसको मैंने क्या कर दिया बेटा? उसको मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो बचा हुआ फिगर है वो क्या है? दैट इज नथिंग एल्स देन द ग्रॉस प्रॉफिट। जो बचा हुआ है वो है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। नेट परचेजेस का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब हमने ये बेसिक चीजें जो है थोड़ी सी रिवाइज कर लिया है, अब हम लोग क्या करें? सबसे पहला अकाउंट और फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट यहाँ पर देखो वापस आ जाओ। यहाँ पर हमने क्या बोला था? थ्री थिंग्स का कॉम्बिनेशन है फाइनल अकाउंट। व्हाट आर दोस थ्री थिंग्स? नंबर वन ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड नंबर थ्री बैलेंस शीट। इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। इसमें से सबसे पहले वाला जो है ट्रेडिंग अकाउंट, आज हम उस ट्रेडिंग अकाउंट के डीप में घुस करके एकदम पढ़ाई करने वाले हैं। यस, एकदम डीप में घुस करके पढ़ाई करने वाले। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ चीजें जान लो। ये क्या है? ये सबसे पहली बात पे है। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है ना बेटा, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल है मैम, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। मतलब कि अगर कोई भी एक्सपेंस है, कोई भी लॉस है, एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ? एक्सपेंस का मतलब हुआ डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस का मतलब हुआ सैलरी, एक्सपेंस का मतलब हुआ कि वेजेस, एक्सपेंस का मतलब हुआ कैरियज इनवर्ड वगैरह, कैरियज आउटवर्ड वगैरह, ये सारी चीजें एक्सपेंसेस हो सकते हैं। और क्या, और लॉसेस का मतलब क्या हुआ? लॉसेस का मतलब बैड डेट्स लॉसेस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा अकाउंट है? इसमें से कुछ चीजें जो भी एग्जांपल मैंने दिए, कुछ चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगी, बट अभी मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है वो नहीं बता रही हूँ बेटा। मैं क्या बता रही हूँ कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर कौन कौन से इनकम्स एंड कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ठीक है। जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो सोच रहे होंगे मैम आपने तो बैड डेट्स बोल दिया, आपने सैलरी बोल दिया, ये तो आता ही नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बेटा मैं गलत नहीं पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है नहीं बताया, मैंने ये बताया है कि नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट एक तरीके का नहीं, ये नॉमिनल अकाउंट ही है। एंड देन इसके बाद लिखा है इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो जो भी अकाउंटिंग ईयर आप फॉलो करते हैं, आपको मालूम है हमारे पास दो तरीके के अकाउंटिंग ईयर होते हैं। एक स्टार्ट होता है 1st of January को और खत्म होता है 31st of December को, जिस दिन आप न्यू ईयर ईव पे पार्टी करते हैं। और दूसरा होता है जो कि फाइनेंशियल ईयर है, इसको बोलते हैं हम कैलेंडर ईयर। ये कौन सा ईयर है? कैलेंडर ईयर। और ये कौन सा? FY मतलब फाइनेंशियल ईयर, जो स्टार्ट होता है 1st of April से और एंड कहाँ पे होता है? 31st of March में। तो आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है, आपके लिए FY फाइनेंशियल ईयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैलेंडर ईयर बाकी वस्ती के लिए है, बाकी फाइनेंशियल ईयर आपके लिए ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। चलिए तो ये एंड ऑफ द ईयर जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके ऊपर किसी तरह का कंपल्शन नहीं है कि इसको फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है कि कैलेंडर ईयर फॉलो करना है। जो भी ईयर फॉलो करते हैं उसकी आखिरी डेट पे, मतलब कि या तो 31st of March पे या फिर 31st of December के दिन आप इस अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे।
ठीक है, इट कंटेन्स आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, रेवेन्यू नेचर ओनली, ओके, इट कंटेन्स आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, नो आइटम ऑफ कैपिटल नेचर. अब मैम ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, रेवेन्यू नेचर क्या होता है और कैपिटल नेचर क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है बेटा, पढ़ा सब कुछ आप लोगों को याद नहीं है, कोई बात नहीं, फिकर नॉट, मैम इज हियर. तो क्या करना है, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, रेवेन्यू मतलब एक सीधी सी बात याद रखो, जो कि रिकरिंग इन नेचर है उसका हम लोग रेवेन्यू बोल देते हैं नॉर्मली, और जो कि नॉन रिकरिंग नेचर है कभी कभी जो होता है उसका हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल देते हैं नॉर्मली वर्ड में लगा रही हूँ, क्योंकि यही एक क्राइटेरिया नहीं है, और भी बहुत सारा क्राइटेरिया है, जिन बच्चों ने डिटेल में पढ़ रखा है या पढ़ेंगे उनको पता चल जाएगा बाद में कि रेवेन्यू और कैपिटल का डिफरेंस क्या है, लेकिन अभी के लिए इतने से काम हम लोग चला सकते हैं, दैट विल 99% इतना ही होने वाला है. ठीक है, तो रेवेन्यू का मतलब होता है जैसे कि सैलरी, तो सैलरी तो मैं बार बार देती हूँ, हर महीने अपने वर्कर को देती हूँ, वेजेस हर महीने और हो सकता है डेली वेजेस भी देती हूँ अपने वर्कर को, रिकरिंग इन द नेचर है. बट क्या मैं प्लांट और मशीनरी और लैंड और बिल्डिंग रोज खरीद लेती हूँ? नो मैम, ये तो बड़े बड़े खर्चे होते हैं, ये थोड़ी ना रोज रोज परचेज किए जाते हैं. यस यू आर राइट बेटा, तो हम उसे रोज नहीं खरीदते हैं, हम उसे कभी कभी खरीदते हैं, दैट इज वाई हम लोग उसको बोलते थे कैपिटल एक्सपेंडिचर, और बाकी के खर्चे जो होते हैं वो रेवेन्यू होते हैं. तो ये कौन सा अकाउंटिंग, ट्रेडिंग अकाउंटिंग, यहाँ पे कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आएगा. मतलब कि यहाँ पे अगर हमने परचेस कर लिया बिल्डिंग, यहाँ पे हमने परचेस कर लिया लैंड, यहाँ पे हमने परचेस कर लिया लैपटॉप, यहाँ पे हमने परचेस कर लिया मोटर कार, वो सब नहीं आने वाले. यहाँ पे सिर्फ कौन से नेचर के एक्सपेंसेस आने, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस आने. इन केस ऑफ अ ट्रेडर हैज इट्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर. तो अगर आप ट्रेडर हो, ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ट्रेडर वो होता है जो यहाँ से सामान खरीदता है और यहाँ बेचता है, मतलब कि खुद बनाता कुछ नहीं है. जैसे कि आपका ग्रोसरी स्टोर, किराना स्टोर वाला भैया, व्हाट डज ही डू, इसके पास 10 स्टॉकिस्ट आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, सामान देते हैं और वो सामान हमको बेचता है, मतलब कि फाइनल कंज्यूमर को बेचता है. ये कुछ भी मैन्युफैक्चर खुद से नहीं करता है. मैन्युफैक्चरर कौन होता है, जो बनाता है और बेचता है, मतलब कि जिसकी फैक्ट्री है. तो हम ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरर का अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर वो अकाउंट वो पढ़ते हैं. तो अगर पिछले साल से कोई बैलेंस था वो कैरी फॉरवर्ड होकर आगे आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये ओपनिंग स्टॉक है, और सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं से होती है. Then it contains items relating to the current year only. मतलब कि इसका कोई लेना देना नहीं है आगे आने वाले साल के एक्सपेंसेस के साथ, ठीक है, या पिछले साल जो एक्सपेंस पे हो गए थे उसके साथ कोई लेना देना नहीं, करंट ईयर के जितने आइटम्स है उसी के टेक केयर करता है ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, फिर उसके बाद है इट्स क्लोजिंग बैलेंस इंडिकेट्स अ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. अभी हम आगे जाके देखेंगे कि अगर आपके पास क्रेडिट बैलेंस है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट है और डेबिट बैलेंस है तो वो ग्रॉस लॉस है. तो ये या तो जो एंड में जो निकलेगा इसका बैलेंस वो तो या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा. ठीक है, एंड देन ग्रॉस प्रॉफिट तो ग्रॉस लॉस लगे ट्रांसफर टू कहां भेज देते हैं हम उसको, जो भी इसका बैलेंस निकलता है उसको हम कौन से अकाउंट में भेज देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देते हैं. इसको एक बार मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग खुद से भी पढ़ लेंगे. चलिए अब आगे चलते हैं. ये रहा आपका फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, कैसा दिखाई देता है ट्रेडिंग अकाउंट. सबसे पहले ऊपर ये जो हेडिंग है ये लिखी होती है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपकी ईयर एंड की डेट होगी 31 मार्च या 31 दिसंबर आप उसको लिखेंगे. नॉर्मल लेजर में जो हमारे पास जो कॉलम होते हैं डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो देन अमाउंट देन फिर से डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, वो यहाँ पर नहीं दिखाई देगा आपको. आपको यहाँ पे डेट का कॉलम नहीं दिखाई देगा, जनरली हम लोग जनरल फोलियो का कॉलम भी स्किप कर देते हैं बिकॉज यहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा इश्यू है. ठीक है, तो जनरल फोलियो भी यहाँ पर नहीं दिखेगा. तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर पर्टिकुलर एन अमाउंट के कॉलम बनाएंगे. डेट का कॉलम क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि सारे ही ट्रांजेक्शन एक ही डेट पर हम दिखा रहे हैं. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आप कोई भी डेट का कॉलम नहीं दिखाएंगे. ओके, और ये बनेगा कहाँ से मैम, हमको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा क्वेश्चन में, वहां से हमें इसे बनाना पड़ेगा. तो चलो हम देख लेते हैं एक एक आइटम का, हम डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती है. तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है. अभी ऊपर हमने जो थ्योरी पढ़ी थी उसमें भी पढ़े थे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वॉर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैन बी देयर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कैन बी देयर. रॉ मटेरियल क्या होता है, जो बिल्कुल ही कच्चा सामान है, अभी उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन क्या थोड़ा काम हो चुका है, उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस. थोड़ा हो गया है ना, तो वो कच्चा है ना पक्का है, बीच की स्टेट में है, दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस. तो वर्क इन प्रोग्रेस क्या भी कुछ मटीरियल हो सकता है, कुछ फिनिश कुछ भी हो सकता है. तो वो जो सारा का सारा पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होकर इस साल में आया है, दैट इज कॉल्ड योर
ओपनिंग स्टॉक, तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। अगर ओपनिंग स्टॉक है तो अगर इसी साल बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक कुछ होगा नहीं, अभी अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, पिछले साल का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो फिर आपके पास ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास परचेजेस होती है, जो हमने इस साल खरीदा, परचेज क्या करोगे। अगर आप ट्रेडर हो तो आपका जो फिनिश गुड है उसी को परचेज करोगे, आगे दोगे। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप क्या करोगे, आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे। तो वो परचेज क्या, वो सारी की सारी परचेज हम अपने पास रखेंगे, नहीं नहीं कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ परचेजेस में ऐसे गुड्स आ गए जो एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं थे, या फिर डिफॉल्टेड गुड्स आ गए, डिफॉल्टेड गुड्स आ गए, या वो गुड्स टूटे फूटे आ गए, ठीक है। तो क्या करेंगे, उन गुड्स को वापस कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करें, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न बाहर क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे नेट परचेजेस लिखेंगे। फिर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, अब ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों में, हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं। अब जैसे कि ये मोबाइल है, ये बन रहा है, जब इसको बनाने के लिए जो डायरेक्टली फैक्ट्री में जो बन रहा है, इसके अंदर जो जो मटेरियल लगा है, इसको बनाने वाले ने जो खर्चे किए, मतलब जो जो टेक्नीशियन या जो भी पर्सन इसको बना रहा होगा उसकी जो सैलरी है वो, और जो मटेरियल इसको बनाने के लिए खर्चा हुआ है, वो सब क्या होगा, वो सब बोलेंगे कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन ये मोबाइल जिस फैक्ट्री में बन रहा था उसका एक अकाउंट्स ऑफिस भी था दूसरी जगह, वहां पर भी तो लोग बैठे हैं, उनका जॉब भी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्होंने क्या डायरेक्टली इस मोबाइल को बनाने में कंट्रीब्यूट किया, नहीं डायरेक्टली तो कंट्रीब्यूट नहीं किया, बट क्या उनका काम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट। वो अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमको कैसे पता चलेगा कितनी कैश की अवेलेबिलिटी है। लेकिन वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है टू द मोबाइल, तो हम उसको बोल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो डायरेक्ट में क्या क्या आ रहे हैं, एक तो वेजेस आ रहा है, कैरियज इनवर्ड, सामान जो आया उसके ऊपर का जो आपने कैरियज पे किया, फ्रेट पे किया, इम्पोर्ट ड्यूटी, बाहर से कुछ मंगा लिया तो इम्पोर्ट ड्यूटी हो सकती है, वो गैस एंड फ्यूल, फैक्ट्री में जो मशीन्स वगैरह चलती है उसके ऊपर गैस एंड फ्यूल का जो खर्चा होता है वो, और ट्राई अगर आप पे करते हो तो वो, फिर डॉक चार्जेस, बाहर से शिप में सामान आया था आपने दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करके लेके आया था तो डॉक यार्ड में जो रखा हुआ था वहां के चार्जेस लगे वो, फैक्ट्री में जो लाइटिंग पे खर्चा हुआ, फैक्ट्री के जो दूसरे तरीके के एक्सपेंसेस है वो हुए, तो वाटर भी लगता है मशीन को रन करने में वो, ऑयल एंड ग्रीस भी लगता है मशीन को रन करने में वो, मोटिव पावर, मशीन को चलाने के लिए कोई दूसरा कोल वगैरह कुछ पावर का यूज किया तो वो लगता है, रॉयल्टी ऑन द प्रोडक्शन अगर लगती है तो वो, ये सारे खर्चे कैसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली आप प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, ये सारे के सारे एक्सपेंस आ जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। क्यों डेबिट में लिख रहे हैं, याद करो कौन सा अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट की डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंसेस आएंगे। ओके मैम, देन क्रेडिट में क्या आएगा, मैम क्रेडिट में क्या है, इनकम्स आएंगी ऑब्वियसली, अगर डेबिट में तुमने एक्सपेंसेस लिखा है तो क्रेडिट में इनकम आएगी, सेल्स, सेल्स का इनकम है क्योंकि सेल्स करते हैं तो पैसा मिलता है, ठीक है। तो कौन सी सेल्स आएगी, डेबिट क्रेडिट दोनों, क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल्स दोनों सेल्स आ जाएगी। अगर कोई सेल्स रिटर्न हो गया तो उसे माइनस कर देना, एंड बाहर क्या लिख देना, नेट सेल्स लिख देना। फिर क्या क्लोजिंग स्टॉक भी होगा, कुछ ऑब्वियसली होगा, ओपनिंग स्टॉक था तो क्लोजिंग स्टॉक भी होगा ना, जरूरी थोड़ी ना है जितना तुमने सामान खरीदा था उतना को उतना बेच दिया, कुछ तो बच गया होगा, ऐसा हो सकता है, या जितना मैन्युफैक्चर किया था उसमें से कुछ बच गया, साल के आखिरी में पता चला कि हमने 1000 यूनिट्स बनाई थी उसमें से 800 ही बिकी है, 200 भी बच गई है, तो वो 200 क्या है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, उसको लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा या तो आपके पास क्रेडिट बैलेंस को आप टोटल करेंगे, सबका यहाँ पे टोटल लगाएंगे, ये टोटल में से ये टोटल यहाँ पे माइनस करेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो हो सकता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो, इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था और डेबिट माइनस किया तो क्रेडिट बैलेंस बचा है, बट अगर तो ये ज्यादा हो गया, इसका टोटल में से हमें ये माइनस करना पड़ा यहाँ का टोटल, ठीक है, और अमाउंट बचा हुआ है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आपका क्या है, ग्रॉस लॉस है, ठीक है। आई होप जो मैं बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, लेट अस डू अ क्विक रीकैप, ठीक है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इसमें रेवेन्यू और नेचर की एक्सपेंसेस और इनकम्स को लिखा जाता है, और डायरेक्ट खर्चे लिखे जाते हैं, मतलब कि जो ऑफिस में बैठा है जिसका कि प्रोडक्शन से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है उसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद आता है परचेजेस, परचेज में से आप परचेज रिटर्न हो तो उसको माइनस कर ले, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर वेजेस, कैरियज इनवॉल्व, फ्रेट, इंपोर्ट ड्यूटी, गैस एंड फ्यूल, ऑक्ट्रॉय, डॉक चार्जेस, लाइटिंग, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वाटर, ऑयल एंड ग्रीस एंड मोटिव पावर, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन और ग्रॉस, ये सब कुछ एड लिख देते हो डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या है, सेल्स, सेल्स में से सेल्स रिटर्न हटा देना, क्लोजिंग स्टॉक लिख देना, और अगर आपका क्रेडिट का टोटल ज्यादा है डेबिट के टोटल से तो आपको बैलेंसिंग फिगर में क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आपके डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से ज्यादा है तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ग्रॉस लॉस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैम
क्वेश्चन तो ये है कि इतने सारे आइटम्स हम कैसे लर्न करेंगे मैम, क्या हम लोग इसका रट्टा मार ले, क्या हम इसको मगअप कर ले मैम, इतना सारा हमसे तो ना हो पाएगा मैम, हमसे लर्न नहीं हो रहा इतना। बेटा जी ऐसा है कि एक ही क्वेश्चन में सारे के सारे हेड्स हो ऐसा तो जरूरी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है कि कहीं बहुत सारे इसमें से आ जाए तो इसको कैसे लर्न करेंगे। एक तो है कि प्रैक्टिस करते करते लर्न हो जाएगा। आप प्रैक्टिस जब कर रहे हैं आपके आपके सामने इस फॉर्मेट को ओपन रखिए और यहाँ से देखते जाइए, करते 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 आपको याद हो जाएगा। दूसरा तरीका जो है जिसको मैं एडवाइस भी करूंगी कि कम से कम दो बार आप इसको लिख करके अपने हाथ बना करके देख लीजिए तो काफी कुछ चीजें आपके आपके दिमाग में रजिस्टर्ड हो जाएगी। ठीक है, आपके दिमाग में रजिस्टर्ड हो जाएगी मतलब कि आप इसको पहचानने लगेंगे। आप बार बार इसको लिख लेंगे, दो बार लिख लीजिए और फिर इसको बार बार रेगुलर इंटरवल पे देखिए तो आपको लर्न होने लगेगा। ठीक है, एक बार ही में आ जाएगा ऐसा नहीं है, इट विल टेक सम टाइम, बट आप बहुत सारे क्वेश्चन जब मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट, रीड इट 2-3 times एंड एटलीस्ट ट्वाइस यू मेक इट ऑडियो। ठीक है, अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हाँ क्लास खत्म हो गई क्या? यस खत्म हो गई। मैं आज बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी, पिछली क्लास में मैंने छोटी रखी थी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारे सेशन छोटे रखूँ सो दैट अगर आपको दोबारा भी प्ले करके देखना है तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले 1.5 की स्पीड पे रखिए, आप इसे प्ले कर लीजिए और एक बार फिर से सारी चीज रिवाइंड कर लीजिए सो दैट यू कैन इजिली रिवाइज व्हाटएवर आपने क्लास में पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो आप इसे आज रिवाइज करेंगे दो बारी, यस एटलीस्ट दो बारी इस ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को बना करके देखेंगे और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप लोग मेरा नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करेंगे जहां पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन देखेंगे और एक क्वेश्चन करके देखेंगे। एक क्वेश्चन देखेंगे मतलब सिर्फ ऑडिट करेंगे, देखेंगे ये आइटम यहाँ यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ यहाँ जा रहा है, और दूसरा क्वेश्चन हम लोग खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिविजन। दो बार आपको बनाना है इस अकाउंट को और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए बच्चा जल्दी से। दिस इज ओनली गुरु दक्षिणा, मैं आपको सारा का सारा चैप्टर विदाउट टेकिंग एनी कॉस्ट, सिर्फ आपको मेरे को अपना टाइम देना है पढ़ा रही हूँ एंड कोशिश कर रही हूँ जितना ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ा सकूं उतना पढ़ा रही हूँ। तो मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर करने में कंजूसी मत करिए, शेयर करिए जितने लोगों के साथ हो सकता है अपने लोगों के साथ शेयर करिए। चलिए, we'll meet in the next session, till then bye bye।